toba toba oh toba 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 oh toba 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 oh toba. Please put it in microwave and eat it. So it becomes rubber and plastic. खेच रहा है, खींच नहीं रहा है. भाई ये कौन सा खाना है? कोई खाना है भैया? ये पेड़ डाल बस. तेरी सूरत तौबा तौबा वे तेरी सूरत माशा अल्लाह वे तेरी सूरत. आप ट्रैवल कर रहे हैं आयशा, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड ट्रैवलिंग हो रही है, और उसके पीछे कारण है कि कैलाशा चारों ओर लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए जाना जाता है बैंड, और हम लोग लाइव म्यूजिक को सिर्फ फिल्म म्यूजिक नहीं गाते, तो हमारे एल्बम्स फिल्म के भी कुछ गाने गाते हैं हम. फिल्म्स के भी जो ट्रैक्स हमारे हैं उनको भी हम अपने अंदाज में गाते हैं, तो वो लगते नहीं जैसे फिल्म के हैं. उनको हम बहुत ही रॉ और ऐसा बना देते हैं कि लोग काफ़ी एकदम सरप्राइज होके सुनते हैं, थोड़ा मिस्टिकल कर देते हैं हम उनको. रंगदीनी एक गाना है, ठीक है, तो रंगदीनी जब फिल्म में प्रोड्यूस हुआ है वो उसमें कोरस गा रहा है रंगदीनी 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 रंगदीनी, ये फीमेल गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं. हम लोगों ने उसमें अमीर खुसरो के कुछ दोहे ऐड कर दिए हैं, तो वो मिस्टिकल हो गया, जबकि वो निदा फाजली के लिखे हुए बोल हैं और फिल्म देव में गाया था ये गाना. मरो ऐ जोगी मरो मरण है मीठा, तो हम उसको भी ऐसा गाते हैं. चल खुशरो घर आपने सांझ बही चौदेश, उसके बाद ओ पिया रंगदीनी 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 पिया के रंग रंगदीनी ओढ़नी. तो हमने अमीर खुसरो को और निदा फाजली को साथ में संगम कर दिया, हालांकि दोनों मरहूम हो गए हैं अभी, तो निदा फाजली साहब भी गुजर गए थे 2 साल पहले, लेकिन इत्तफाक की बात देखिए कैलाशा हमेशा फिल्मी गानों को भी ऐसे थोड़ा अपने स्टाइल में गाते हैं. सिंसियरिटी, इसके लिए एक वर्ड है सिंसियरिटी. संजीदगी बोलेंगे तो कई लोग डर जाएंगे, कहीं गंभीर तो नहीं हो गए, सीरियस तो नहीं हो गए. अंग्रेजी जो है हमको बहुत कम शब्द देती है एक्सप्रेशन के लिए, बनिस्बत हमारी लोकल लैंग्वेजेस की. लोकल लैंग्वेजेस में जब हम लिखते हैं, लोकल डायलेक्ट्स में लिखते हैं, एक बात के हजार शब्द हैं, हजार तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक बात को. हमारे यहाँ मोहब्बत के लिए पता है कितने शब्द हैं? कम से कम 100 शब्द हैं मोहब्बत के लिए. अंग्रेजी में एक ही शब्द है लव यू. कुत्ते को भी आपको आई लव यू बोलना पड़ेगा, दादी जी को भी आई लव यू, और टीचर को भी आई लव यू, सबको आई लव यू ही चल रहा है. लेकिन हमारे यहाँ नेह, रति, प्रेम, प्यार, वात्सल्य, मामत्व, ममता, इस तरह के बहुत शब्द हैं, और हर शब्द का अपना एक घनत्व है, वेट है. किस शब्द को आप कहाँ प्रयोग करें ये भी उसकी भी एक सुंदरता है. तो इस तरह से होता है. तो इसलिए इश्क सबसे बड़ी इबादत है इस दुनिया में, इसलिए हमारा मौजू जो होता है, उन्मान जो होता है, वो इश्क होता है. हमारे गाने रोमांटिक होते हैं, श्रृंगार रस से परिपूरित होते हैं, लेकिन परिभाषा जो हमारी श्रृंगार की होती है वो ये होती है, स्पिरिचुअल होती है, अलौकिक होती है, मिस्टिकल होती है. मतलब जिसको जितनी समझ आएगी वो उतना पकड़ पाएगा कि अच्छा ये होता है इनका इश्क, ये होते हैं उनके गाने. तो वो अपने अपनी अकल लगाइएगा और अपने वजन जितना माल जिसके पास हॉर्स पावर है उतनी समझ से ले जाएगा. जी, सूफिया जो है एक सूफी रॉक और गजल की कंटेम्प्रेरी फॉर्म का बैंड है, ऐसे आप कह सकते हैं. और जो इंडी रूट्स है ये एक फोक और रॉक, इनका दोनों का ये फ्यूजन है, तो दोनों की अपनी एक तासीर है, अपना एक फ्लेवर है. मेरा ये आइडिया आया कि अब क्योंकि 10-11 साल हो गए, लोग 30-30 साल हो जाते हैं आयशा इस फील्ड में, तो भी अपने बियॉन्ड जा नहीं पाते. हाई मरी सबको खुद ही लगी रहती है. क्यों लगी रहती है?
क्योंकि ये फील्ड बड़ी इनसिक्योरिटी का है। जितने दुनिया में लोग सिक्योर होते हैं वो उतने ही इनसिक्योर होते हैं। इस धरा पर जितना जिसके पास पैसा आता है वो उतना ही और पैसे की चाह में डूब जाता है। कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि यार मेरे पास अब अल्लाह का दिया काफी कुछ हो गया, अब लेट मी गो इजी, लेट मी टेक इट इजी, लेट मी स्लो डाउन नाउ। नो, उल्टे और आफत मचती है और बेकार हो जाते हैं। भैया तुझे तो कई रोग लग गए हैं, अब तो थोड़ा हल्का पड़ जा ना। तो हमारे फील्ड में भी ये हुआ कि मैंने ये देखा, हमारे तो हमको तो कोई गॉड फादर की अल्लाह ने जरूरत भी नहीं दी, परमात्मा ने, और ईश्वर की एक बहुत बड़ी हम पर ये भी कृपा हुई कि ना मैं फिल्म के लिए गाने आया मुंबई में, और फिर भी मैं फिल्मों में गाने लगा, एड्स गाने लगा। मैं तो अपनी एल्बम बनाने आया था, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और गाता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ हो गया और 11 साल में अब पद्मश्री भी मिल रही है, तो ये कितना बड़ा ऑनर है। और नंदी अवार्ड इस बार हमें मिल रहा है आंध्रा में, तो वो भी आंध्रा का स्टेट अवार्ड है। तो धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो मैं मन ही मन ये सोच रहा था पिछले साल, यार 10-11 साल करियर के हो गए हैं, इतना कुछ बदल गया। 10-11 साल पहले तो एकदम फर्श पे थे, अभी अर्श पे हैं, तो क्या करें, कुछ ऐसा तो करें जिससे ज़िंदगी मीनिंगफुल लगे, जिससे बात लगे कि हाँ वाकई में कुछ जीने का पर्पस मिला। यार बहुत लोग मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे फॉलोअर बहुत हैं, करोड़ों में, तो मैं उनको बताते रहते हैं, मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाती हूँ, सर मुझे ट्राई करिए, मुझे ये करिए। तो हर सिंगर जो हमें हमारे पेज पे लिखता है वो ज़्यादातर गरीब की तरह लिखते हैं, ये बोल के प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं एक दो को कभी कभी टाइम मिलता है तो लिखता हूँ, वाई डू यू नीड हेल्प, आर यू हेल्पलेस, वाई, गो आउट देयर, गो थ्रू द प्रोसेस, तपो, क्योंकि तपोगे तो आपके अंदर का लोहा पिघलेगा। पहले से अगर आप हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप देखिए, आप एक जगह खड़े होकर गुड़ 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 करिए, कभी मुंह मीठा होगा? जिंदगी में नहीं होगा। कब मीठा होगा मुंह? जब आप जाइएगा और गुड़ खरीदिएगा। पहले खरीदिएगा, खरीदने के पास पैसे खर्च किए, मेहनत की, और उसके बाद भी हाथ में लीजिए और तब भी करिए गुड़ 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 गुड़, चीनी 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 चीनी। जिंदगी में मुंह नहीं मीठा होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ में है उसके बाद भी आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला, परमात्मा, ईश्वर ने हम सबको ये हुनर भी दिए हैं, लेकिन अकल कभी कभी सोई होती है, उसको जगाना होता है। तो हमें मुंह में रख कर भी थोड़ी मेहनत करनी है, तब मुंह मीठा होता है। तो जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। दुनिया में अब जो पहले 3-4 गायक होते थे, जो पहली खेप थी, ये सोनू निगम जी, कुमार शानू जी, इनके पहली जो थी, यानी जब किशोर जी थे, मुकेश जी थे, रफ़ी जी थे, ये एक जो खेप थी उस वक़्त की, वो 30-40 साल तक 4-5 लोगों ने ही काम चलाया। अब 4-5 हज़ार हैं जी गायक, पता है आपको, 4-5 हज़ार गायक हैं। तो कितना सुनिएगा, कितना समझिएगा, सब एक दो गहरे गाने गा ही रहे हैं, सबकी नैया चली रही है। आप लाइव म्यूजिक को प्रमोट करते रहेंगे तब ये बचेगा, वरना तो धीरे धीरे अब तो प्लस पे गवाने लगे, माइनस पे गवाने लगे, म्यूजिशियंस भी नहीं बुलाना, नहीं, द वेन्यू इज स्मॉल सो वी डोंट हैव मच स्पेस, सो कैन यू प्लीज सिंग ऑन ट्रैक। देखिए अब जो बेचारा लाइव जिंदगी भर एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जिसने, अब उसको बुला ही नहीं रहे तो उसका पेट कैसे चलेगा जी। तो क्राफ्ट किस लिए मर रहा है देश में, क्योंकि मशीनें आ रही हैं, मनुष्य की अब जरूरत ही नहीं समझ रहे लोग। लेकिन मोहब्बत के लिए आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, उसके लिए मनुष्य से आप हट नहीं सकते, वरना कुछ दिनों बाद आपको जंक फूड खाने पड़ेंगे, फ्रोजन एंड जंक फूड।
प्लेस पुट इट इन माइक्रोवेव एंड ईट इट तो इट बिकम्स रबर एंड प्लास्टिक खींच रहे हैं खींच नहीं रहा है भाई ये कौन सा खाना है कोई खाना है भैया ये भी पेड़ डाल बस तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा